हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 इज काउंटिंग बाय थ्रीज। भाई हमें 3 ऐड करने हैं। राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 5045 टू 5057। भाई हमें क्या करना है, 5045 में 3 ऐड करके क्या करना है, यहाँ तक नंबर इनके बीच के नंबर राइट करने हैं। तो देखो 5045 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5048। 5048 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5051। 5051 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5054। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, इनके बीच के नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 5025 टू 5045। अब हमें इनके बीच के नंबर फाइंड करने हैं 55 ऐड करके। देखो 5025 में जो हम 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5030। 5030 में जो 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5035। 5035 में जो हम 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5040। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग बाई 50 इज राइट। अब हमें क्या करना है, 15 ऐड करने हैं। राइट द न्यूमरल्स और इनके बीच के नंबर्स हमें क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो हमारे पास देखो नंबर है 5415। इसमें 5415 में ऐड करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा 5415 में जब हम 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5430। अब 5430 में जब हम 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5445। अब इसमें 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5460। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, इन नंबर के बीच में हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें हम 15 ऐड करेंगे तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5475। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। अब हमें क्या करने हैं, हंड्रेड राइट करने हैं, सॉरी ऐड करने हैं इनके बीच में। तो नंबर हमारे पास दिया हुआ है 4451। जब इसमें हंड्रेड ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4551। इसमें 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4651। फिर इसमें 100 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4751। ये नंबर क्या हो जाएंगे, इन नंबर के बीच के नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4249 एंड 4559। इनके बीच में हमें नंबर बताने कितने होंगे। भैया अब हमें किन के बीच में नंबर फाइंड करने हैं, 4249 और 4255 के बीच में। अब देखो 4249 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4250। फिर 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4251। 4252। 4253। 4254। ये नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर हो जाएंगे। अब कितने नंबर हो गए, इनको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 नंबर क्या हो जाएंगे, इनके बीच में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट। भाई इन डिजिट का यूज़ करते हुए हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, भाई सबसे पहले इनमें देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है। बट 0 को तो हम सबसे पहले राइट कर नहीं सकते, बिकॉज भाई जब 0 को सबसे आगे राइट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा। तो 0 से बड़ा नंबर देखेंगे क्या है इसमें, 3। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या राइट करेंगे, 0। फिर क्या है हमारे पास नंबर, 4। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 8। तो इन नंबर्स की सहायता से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, 3048। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट। इन डिजिट का यूज़ करते हुए हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो भाई हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इनमें क्या है, 5 के बाद क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, 3 के बाद ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 1। और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 0।
तो इन डिजिट की सहायता से भाई हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 5310। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 7453। भाई ये नंबर मैंने राइट कर दिया 7453। अब इनमें सभी डिजिट की हमें पैलेस वैल्यू उतारनी है, तो सबसे पहले 3 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 3। अब 5 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो 5 क्या क्या लगा देंगे हम, 10 लगा देंगे। अब 4 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 4 के आगे कितने डिजिट हैं, 2। तो कितने 0 लग जाएंगे यहाँ पे, 2। इसी तरह 7 की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो इसके आगे कितने 0 लग जाएंगे, 3 0 लग जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर दिया हुआ है 56568। अब भाई हमें क्या करना है, 6 की फेस वैल्यू बतानी है। ओके, अगर हमसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछता है तो उस नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी, वही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछी है द फेस वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज, भाई 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। यानी कि किसी भी नंबर की अगर हमसे फेस वैल्यू पूछता है तो उस नंबर की फेस वैल्यू सेम नंबर ही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।